हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। एक सवाल फिर आया हुआ है मेरे सामने, तो सवाल क्या है उसको समझते हैं। टैली प्राइम के अंदर अगर आप कोई कह सकते हैं कि अगर आप कोई लेजर बना रहे हैं और वो लेजर दिखाई नहीं पड़ रहा, गायब हो जा रहा है। अब लेजर क्यों गायब हो जाएगा, लेजर को क्या दिक्कत है कि वो गायब हो जाएगा, तो आज इसकी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो 100% होने वाली है सॉल्व। तो आइए देखते हैं कैसे होगी ये सॉल्व। तो यहां पर मैं इसे आता हूं एक कंपनी में, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप कोई भी लेजर बनाते हैं तो कंपनी में ना करके हम एक नई कंपनी ही बना लेते हैं। तो यहां से F3 प्रेस करके और यहां पर कंपनी क्रिएशन वाले डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे और यहां पर क्लिक करेंगे क्रिएट कंपनी पर, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर ये विंडो ओपन होती है। अब यहां पर कंपनी का नाम My First Company डाल देता हूं, या कोई भी नाम, जो भी आप कंपनी का नाम देना चाहते हो वो कंपनी का नाम यहां पे दे सकते हैं। तो ये हमने दे दिया My First Company, एंटर किया। यहां पर आएंगे तो यहां पर आपके लोकल एरिया का एड्रेस यहां पर आता है, ये बड़ी कॉमन सी बात है। और यहां पर एंटर एंटर करके आएंगे नीचे और यहां पे स्टेट डालना कंपलसरी होता है, तो स्टेट जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है, छोड़ मत दीजिएगा, तो स्टेट जरूर डालिएगा। और एंटर करके पिन कोड वगैरह डालते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे जीएसटी चालू करनी है, आप चाहे तो जीएसटी भी चालू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मैटर आज का वो नहीं है। हम यहाँ सीधा आ जाते हैं परचेज वाउचर में। कहाँ आते हैं, परचेज में, या आप सेल्स में भी आ सकते हैं। तो ये सेल्स में आ गए, लेकिन अभी तो हमें परचेज ही करना होगा। तो यहाँ पर एक सप्लायर द्वारा जो बिल मिलता है वो बिल की एंट्री करेंगे। तो सप्लायर द्वारा मिले गए जो बिल मिला है हमें, उसमें 7648 जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो दिया गया है, तो वो हमने एंट्री कर लिया। 1 अप्रैल की डेट है तो 1 अप्रैल 2024 यहाँ पे रखेंगे ही। यहाँ पर आएगा सप्लायर पार्टी का नाम, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सप्लायर वन। सप्लायर का जो भी नाम हो यहाँ पे दे देना है, तो मैं सप्लायर वन ही दे देता हूँ। ग्रुप क्या रहेगा, सप्लायर पार्टी का ग्रुप हमेशा होता है सन्ड्री क्रेडिटर, याद रखिएगा। सप्लायर पार्टी का ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करवाइए, बाकी की डिटेल को भी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करवाइए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो आप परचेज का एक लेजर बनाते हैं। देखिए मैं परचेज का बना रहा हूँ, हो सकता है कि आपको कोई और लेजर बनाना हो या क्रेडिटर का ही लेजर बनाना हो, ठीक है। तो परचेज का ग्रुप एंटर किया हमने, एंटर किया और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब जब एक्सेप्ट करा लिया तो हुआ क्या कि हमने तो बना लिया परचेज का लेजर, लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर तो परचेज का लेजर आ जाना चाहिए। यहाँ पर जो ये बॉक्स दिख रहा है जहां पर आपको क्रिएट लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर तो परचेज का लेजर आना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या हुई, आखिरकार परचेस का लेजर आया क्यों नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बन तो गया है लेजर जरूर, क्योंकि अगर आप बाहर आते हैं इसके बटन प्रेस करके इस तरीके से और यहां पर अल्टर पे चलते हैं और यहां पर लेजर पे आते हैं, तो देखिए ये लेजर है हमारा और ये देखिए यहां पर ये परचेस अकाउंट का लेजर दिख रहा है, लेकिन देखिए ये ग्रुप गलत कर दिया आपने। तो अगर ग्रुप गलत करेंगे तो सब कुछ गलत होगा। तो यहां पर एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट करवा लीजिए, आप वही परचेस का लेजर नजर आने लगेगा। जब आप परचेज वाउचर में जाएंगे तो आपको वही परचेज का लेजर नजर आएगा। आप जैसे मान लीजिए सप्लायर इनवॉइस नंबर हो गया, एंटर करके यहाँ आए, सप्लायर का नेम आ गया, ये तमाम डिटेल्स आ गई, एंटर करते हुए नीचे आ गए और यहाँ पर परचेज अकाउंट आ गया, ठीक है। इतना आ जाने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें जो भी स्टॉक आइटम का नाम देना है वो दे सकते हैं। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए अल्ट सी करिए। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बना रहे हैं और उसका नाम है बुक, BWO के बुक वन कर देते हैं। तो ये बुक वन नाम से स्टॉक आइटम बनाया। अब बुक बिकेगी तो किलो के भाव से तो बिकेगी नहीं, कबाड़ी में थोड़ी ना बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम नंबर्स कर देते हैं, नंबर्स कर सकते हैं आप, ठीक है, या पीसेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल नेम नंबर्स कर देते हैं, ये फॉर्मल नेम है, एंटर किया नंबर्स। और यहाँ पे UQC कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड, तो एन प्रेस करेंगे NOS नंबर्स आ जाएगा। बुक डेढ़, ढाई, पौने तीन, पौने चार, साढ़े चार, पौने पांच, इस तरीके की क्वांटिटी में नहीं बेचा जाता है या खरीदा जाता है। तो यहाँ पे जीरो रख दिया है डेसिमल प्लेसेस, एंटर किया और इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी 6 है, एक की खरीद रेट 360 रुपए, तो बेचेंगे तो इससे ज्यादा का ही। अब इसको एंटर करके यहाँ पे ये अगेंस्ट डिफरेंस का कर्सर आ जाता है, एंटर करके और आप फाइनली इसे करा लीजिए एक्सेप्ट। ये एंट्री हो गई पूरी। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको सेल्स की एंट्री करनी हो और सेम दिक्कत आपको सेल्स में भी आ रही हो, तो आपको सेम काम सेल्स में भी करना है जैसे वहां पे किया था, ठीक है, परचेस में, वैसे सेल्स में भी कर सकते हैं। अगर आपने वो गलती करी है तो यहीं से आपको सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो फिर देरी क्यों करनी है, चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहां, सेल्स वाउचर में। तो चलिए यहां से स्केप बटन हम प्रेस करेंगे और सबसे पहले कहां चलेंगे, सेल्स वाउचर में। तो यहां पर बाहर आ गए
और वी बटन प्रेस किया और यहाँ से सेल्स वाउचर में आ जाते हैं, चाहे तो वहीं से जा सकते हैं। तो ये आ गए सेल्स वाउचर में। अब ये भी कंफ्यूजन है कि यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का नाम आता है या डेटर पार्टी का, तो याद रखिएगा सेल्स वाउचर में हमेशा क्रेडिटर का नहीं बल्कि डेटर पार्टी का नाम आता है, ठीक है। अगर उधार की बात हो रही है तो हमेशा डेटर ही पार्टी का नाम आएगा, आप क्रेडिटर पार्टी का नाम का लेजर इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे ये क्रेडिटर पार्टी है, सप्लायर पार्टी, तो यहां लेजर जरूर इंसर्ट हो जाएगा आपका, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा यहां पर कौन सा लेजर आएगा, यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर। तो यहां पर जाकर के और यहां पर कस्टमर वन बना लीजिए, कस्टमर वन, ये मैंने कस्टमर कर दिया, ये डेटर पार्टी है हमारी, तो ग्रुप भी तो डेटर पार्टी का ही रहेगा, तो सन्ड्री डेटर का ग्रुप क्या डालेंगे, सन्ड्री डेटर, याद रखिएगा सन्ड्री डेटर। तो यहां से चलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर नहीं बल्कि डेटर करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सन्ड्री डेटर हो गया, बाकी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये तो यसी रहेगा, एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, एंटर करते हुए लास्ट तक आपको एंटर करते जाना है, ये एक्सेप्ट वाली विंडो आ जाएगी, एक्सेप्ट करा लीजिए। फिर यहां पर भी एंटर करते हुए आइए, एंटर और यहां तक आ जाइए। अब यहां पर क्रिएट ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहां पे सेल्स का लेजर लगा दीजिए, तो ये लगा दिया सेल्स का लेजर, ये हो गया सेल्स। अब यहां पर आएंगे, एस प्रेस करेंगे, सेल्स अकाउंट आएगा, तो यहां से सेल्स अकाउंट कर दीजिए, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। करा लेने के बाद यहां पर आएगा स्टॉक आइटम, तो कई बार क्या करते हैं लड़के, यहां पर स्टॉक आइटम बनाना शुरू कर देते हैं, बनाना नहीं है। और एक बात, अगर आपने यहां पे सेल्स का लेजर बनाने में गड़बड़ी की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने तो यहां ग्रुप रख दिया ना सेल्स का, लेकिन मान लीजिए आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने जल्दी जल्दी में ग्रुप गलत कर दिया, या आपको मालूम नहीं है तो यहां पे ग्रुप गलत कर दिया, सेल्स के बजाय कुछ भी कर दिया, ठीक है, सेल्स के बजाय कुछ और ग्रुप लगा दिया, ठीक है। जैसे ये सेल्स अकाउंट है ना, तो सेल्स अकाउंट ना लगा के कुछ और ग्रुप कर दिया, यहां पर आए जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसे कर दिया, ये हो गया, एंटर किया, तो ये हो गया। अब जब आप तो लेजर तो बना हुआ है आपका, लेकिन जब आप सेल्स की एंट्री करने जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर का लेजर लगाएंगे, एंटर करेंगे, इसके पहले तो एक्सेप्ट हो जा रहा था, ये देखते हैं आप क्या होता है। अब यहाँ सेल्स का लेजर ही नहीं दिखाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा एंटर करेंगे और यहाँ सीधा क्या करेंगे, लिखेंगे सेल्स। तो ये आपने लिखा सेल्स, अब जैसे ही सेल्स लिखेंगे, लीजिए हो गई गड़बड़, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, अब आप परेशान हो जाएंगे, आपका लेजर बनेगा नहीं और आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। अब ऐसी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आपको एक बार लेजर जरूर चेक करना चाहिए, उसका ग्रुप जरूर चेक करना चाहिए। तो आइए यहाँ से बाहर आते हैं और हम भी अपना ग्रुप चेक करते हैं। तो यहाँ से आए अल्टर पर और यहाँ पर जैसे ही लेजर पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रुप जो है सेल्स का क्या पड़ा हुआ है, रिजर्व, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस का ग्रुप पड़ गया है, तो ये हटाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, सेल्स अकाउंट का ग्रुप लगाना है। जैसे ही सेल्स अकाउंट लगाएंगे ना तो ये लेजर फिर आने लगेगा नजर, जैसे कि यहाँ पर आपको अब दिखेगा। यहां से बाहर आइए, इसके बटन प्रेस करके और यहां से बी बटन प्रेस किया तो ये आ गए सेल्स वाउचर में, और जैसे ही सेल्स वाउचर में आए तो यहाँ कस्टमर का लेजर लगाया, एंटर किया, एंटर करते हुए नीचे आए और यहां पर एंटर करते हुए आगे नीचे एंटर किया, और यहां पर देखिए सेल्स का अकाउंट लेजर जो है दिखने लगा एकदम स्पष्ट रूप से। यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको सेल्स का लेजर दिख रहा है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने ग्रुप सही डाला तब जाके ये आया, ग्रुप अगर गलत डाल देते तो ये आता ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बुक वन जो था हमारे पास उसको ले लीजिए, चार बेच दीजिए और एक की कीमत सेल रेट 690 रुपए, और ये हो गया एंटर करके, बाकी यहाँ न्यू रेफरेंस आ जाएगा, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, यही तो काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100% इससे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।